मैं यहीं पर ही पढ़ी हूँ पहले। आप भी यहीं की पढ़ी हुई? यहीं से पढ़ी हूँ। यानी एक हाई लेवल की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। जामिया बहुत अच्छा इदारा है और अभी आप देखेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। गाइज, आज जो जामिया मिल्ले इस्लामिया गेट नंबर 17 के पास हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी भीड़, असल में आज यहाँ जामिया का एंट्रेंस चल रहा है क्लास 6 के बच्चों के लिए। अब देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एंट्री दिला रहे हैं, इसके रिव्यू को जो वो अपने बच्चों को जामिया में क्यों पढ़ाना चाहते हैं, फिर जामिया के बारे में क्या क्या प्रोसेस पता है उन्हें, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर वो क्या सोचते हैं। आंटी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नसरीन है। कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है अंदर? बेटा दे रहा है। अच्छा, आप जामिया के बारे कब से जानते हैं? मैं यहीं पर ही पढ़ी हूँ पहले। आप भी यहीं की पढ़ी हुई? यहीं से पढ़ी हूँ। माशाल्लाह। तो आप अपने बेटे को आगे लाइफ में क्या बनाना चाहते हैं? आगे लाइफ में उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो क्या बनता है। अच्छा, तो अब जामिया के पढ़े हुए, जामिया के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, तो अगर हम जामिया को एक शब्द में अगर डिफाइन करने का या एक शब्द में जामिया के बारे में बताने का, तो आप क्या बताएंगे? यही है कि अच्छी पढ़ाई है, अच्छे रूल हैं, बस इसी वजह से आपने अपने बच्चे का बस ये चाह रहे हैं कि हमारा बेटा भी थोड़ा यहीं पर ही एंट्रेंस निकाले। करियर का स्टार्ट आपने जामिया से किया, बेसिक बिल्कुल कह सकते हैं, बेसिक से जामिया में आपने एंटर किया। ठीक, चलिए, मैं दुआ करूंगा आपके बच्चे फ्यूचर में जो भी करना चाहे वो एंट्रेंस क्रैक करे, जामिया का पार्ट बने और अपने सपने को साकार कर सके। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शमा परवीन है। आप कहाँ से आई? जी, मैं जयपुर से आई हूँ। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है अंदर? मेरी बेटी है। तो आप अपने बेटी को जामिया में ही क्यों पढ़ाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे ही अच्छा लगता है कि जामिया में मेरी बेटी पढ़े, मेरा ये सपना है, ख्वाब है। जामिया के बारे कब से जानते हैं? बहुत दिनों से जानती हूँ, पहले जानती हूँ। मैं पढ़ाई करती थी तभी से। अच्छा, मैं जानती हूँ। तो आप अपने बेटी को फ्यूचर में बनाने का कुछ डिसाइड किया? कुछ ना कुछ मैंने डिसाइड किया है, बाकी उसकी पढ़ाई के ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बने। वेरी गुड, कुछ ना कुछ वो बने। यानी एक हाई लेवल की पर्सनालिटी बनाना चाहती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा आपको जो जामिया के फ़ी हो या फिर फैसिलिटीज़ हो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ मुझे मालूम है तो उसके लिए मेरी कोशिश यही है कि उसका यहाँ पे हो जाए। मैं दुआ करूँगा आपके बच्ची के लिए जो जो भी लाइफ में करना चाहे बहुत आगे जाए, इंशाल्लाह। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ताहिर है। आप कहाँ से आएँ? मैं यहीं जामिया बटलाउस में रहता। लोकल हैं? लोकल। अच्छा, तो आप जामिया के बारे बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं जामिया के बारे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बच्चे का करियर आपने यहाँ से स्टार्ट करना चाहा, तो जामिया के बारे में आजकल लोग कहते हैं जामिया में पढ़ाई नहीं होती है, जामिया में प्रोटेस्ट होता है, यहाँ बच्चे आने के बाद बिगड़ जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। जामिया बहुत अच्छा इदारा है और अभी आप देखेंगे तो इतने कामयाब लोगों में शुमार है जो मतलब ये समाज के लिए भी काम करते हैं, ये अपने लिए भी काम करते हैं। तो यहाँ इदारा अच्छा है, यहाँ की इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी है, और ये कहना गलत है कि अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वो बिगड़ जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, फंडामेंटल राइट है हमारा, और हमेशा हर इंसान को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप अपने बच्चे यहाँ अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको आप गलत नहीं कह सकते, वो अपने हक के लिए उठाएं। बिल्कुल, तो और अपने हक के लिए लड़ाई वही लड़ सकता है जिसको अपने हक के बारे में पता है। एग्जैक्टली। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप अपने बच्चे को आगे क्या बनाना चाहते हैं? मेरा बच्चे अभी टीचर बनना चाहता है। इसलिए आपने पहला प्लेटफॉर्म आप जामिया को चुना? जामिया चाहते हैं कि अच्छा इदारा है, जामिया यहाँ थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ सीखने को मिलते हैं, अपना थोड़ा बेटर है। तो मैं दुआ करूंगा आपकी बच्ची जहां भी जाना चाहे, आप उसको जहां ले जाना चाहते हैं अपने लाइफ में फ्यूचर में, वो बहुत आगे जाए, सक्सेस करे, अपने आप को नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे, पेरेंट्स का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नैयर रजा है। आप कहां से आएँ? मैं दरभंगा से, बिहार से। मैं जानना चाहूँगा सर, दरभंगा बिहार एक अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस तय करके आप अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर जामिया आए, आखिर जामिया ही क्यों आए आप? इसलिए आए कि जामिया में अच्छा कल्चर है, अच्छा व्यायाम है, अच्छे लोग हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे मतलब सस्ता है, नामी एक मतलब संस्था है जिसके में पढ़ के लोग आगे बहुत तरक्की किए, बहुत लोग बच्चे बहुत पढ़ कर के आगे बढ़े हैं। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? मेरा भांजा है, मेरी भांजी है, मेरे दो। अच्छा, मतलब बच्चों को आगे लाइफ में क्या बनाने का सोच रखा आपने? अब बच्चे हैं, पढ़ करके वो क्या बनेंगे वो तो पेरेंट्स का एक सपना होता है, फिर कोई गार्जियन हो तो का सपना होता है, मेरे बच्चे ये बने तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे तो मेरा सपना है कि मेरे बच्चे IAS IPS बने। बहुत मतलब उच्च विचार हम कह सकते हैं, जो जो अगर हम देश के हाईएस्ट लेवल की अगर हम कोई अधिकारी की बात करें जो देश की सेवा करने वाले, तो वो UPSC क्रैक करने के बाद होते हैं। आपने उस सपना को चुना है। जी जी। अब जामिया के बारे में क्या जानते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में? फैसिलिटी बहुत सारी फैसिलिटी इसमें है, क्या नहीं है आप ये बताओ ना हमको। जो लोग कहते हैं वो लोग आके अंदर देखें इसके कि किस तरह से मतलब यहाँ के लोग मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर,
बच्चे के लिए कितना मतलब करते हैं, ये जामिया क्या कर रही है, ये क्या है जामिया, लोग आके देखेंगे जामिया को तभी तो पता चलेगा। जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं वही लोग जमीनी हकीकत बता सकते हैं। जिन्हें भूख नहीं लगी हो वो क्या जानेंगे कि वो खाना क्या क्या है, वो रोटी क्या जानेंगे, कभी रोटी खाया ही नहीं, बस जो काजू की रोटी खाने वाले क्या गेहूँ को जानेंगे कि गेहूँ क्या होता है। चलिए सर, मैं दुआ करूंगा आपके बच्चे के लिए, जो लाइफ में जो भी करना चाहे वो बहुत आगे जाए। हर आदमी को दुआ करना चाहिए एक दूसरे के लिए। इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो एक दूसरे की कोऑपरेट करे, ये नहीं कि खा लेना किसी की मतलब वो करके, किसी की दुश्मनी करके। ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज़ें, ये सब फालतू बकवास है, टाइम वेस्ट करना होता है। आप अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, दूसरे के पीछे क्यों भिड़े पड़े हो। ये जामिया के पीछे लोगों का क्या है भाई, क्या चाहते हैं लोग। अपनी संस्थाओं को देखें ना, जो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, अंदर में क्या क्या कर रहे हैं लोग, दूसरे के पीछे क्यों भिड़े हो। अपनी तरक्की के बारे में सोचो, हम अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। हम अगर अच्छे हैं तभी तो इतने दूर से लोग आए हैं यहाँ, हम ही नहीं बहुत सारे लोग हैं। आप इन सबसे पूछिए कि कहाँ कहाँ से लोग आए, ये कोरोना काल में ये मेहनत मशक्कत से सफ़र, साला ट्रेन में मतलब 2 रुपये का टिकट साला 200 रुपये का हो गया, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस जामिया 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 है क्या भाई, जामिया जामिया के पीछे क्यों भिड़े हो लोग। आप लोग इस चीज़ को मतलब समझाओ लोगों को, लोग समझने की कोशिश। अपना नाम बताएं। अनीता। आप कहाँ से आई? बदरपुर। मैम आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है अंदर? बेटी दे रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल, पहला सवाल ये करना चाहूँगा, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या जामिया सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या जामिया में नॉन मुस्लिम्स नहीं पढ़ते हैं, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली काफ़ी जिसने भी इंफॉर्मेशन दिया है गलत दिया है, यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों पढ़ते हैं। मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो ऐसी कोई बात नहीं है। आप नॉन मुस्लिम हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे एंट्रेंस के बेस पे, काबिलियत के बेस पे एडमिशन होता है, और मैं अपने बच्चे का भी उसकी काबिलियत के बेस पे ही एडमिशन करवाऊँगी। आप अपने बच्चे को आगे क्या बनाना चाहते हैं? ये उसकी चॉइस है, अभी पहले बच्चा स्कूल में है, एंट्रेंस दे रहा है 6th क्लास का, वो क्वालिफाई करे जो उसकी मर्जी होगी। बिल्कुल। और आप जामिया से कौन सी पढ़ाई की? बीए प्रोग्राम जामिया से की है। अच्छा, जामिया के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जामिया के फैसिलिटीज़ की बात करें अगर हम, तो अदर यूनिवर्सिटी स्कूल्स के बारे से कंपेयर करें अगर हम जामिया को, तो किस तरह देखते हैं? इसी की स्टूडेंट रही हूँ तो यहीं की बात कर लेते हैं। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का उनका सिलेबस, क्लासेस का अरेंजमेंट और बुक्स अवेलेबलिटी होना लाइब्रेरी में, तो सभी कुछ बहुत अच्छा है। कैफेटेरियाज़ भी अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर नज़र से देखा जाए कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ एक नॉन वेजिटेरियन ही फूड देखा होगा। आजकल लोग धर्म के नाम पे भी खाने को उन्होंने डिवाइड कर दिया, खाने को खाने की तरह नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के दोस्त मिल जाएंगे आपको, सभी धर्म के, इनफैक्ट आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप प्रॉस्पेक्टस देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं दुनिया भर से आते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो सालों भर पहले अपनी तैयारी करते हैं फिर एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में क्या? बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, चाहे यहाँ की फैकल्टीज़ हो चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हो। गाइज, जो भी आप लोग जानना चाहते हैं, आपके मन में सवाल आता है जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मैम से बात करने की कोशिश की तो मैम एक नॉन मुस्लिम है, जामिया से पास डाउट है, अपने बच्चे को जामिया लेकर आए हैं। अगर आप ऐसा लग रहा है आपको जो जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और नहीं, यहाँ पर नॉन मुस्लिम नहीं है, तो मैं आपसे सजेशन देना चाहूँगा, आप जामिया आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए, कैंपस को देखिए, आपको पता चल जाएगा जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका नाम बताएं? मोहम्मद इमरान। इमरान सर, आप कहाँ से आए? बरेली। अच्छा, आप बरेली से आए हैं, अभी इंटरव्यू से पहले आप बता रहे थे आप टीचर हैं जी, तो क्या बच्चों को आप तैयारी करा रहे जामिया? एक्चुअली यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है जामिया से, तो काफ़ी टाइम जॉब की बाहर सऊदी अरबिया पे जॉब की, उसके बाद ये ख्याल आया कि जिस तरीके से जामिया उस पैटर्न पर कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन किया जाए और वहाँ से लोगों की प्रिपरेशन करके कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई करा के जामिया भेजा जाए, क्योंकि यहाँ के कल्चर है, यहाँ की एजुकेशन है, एक अलग ही स्टैंडर्ड है, उस चीज़ को ख्याल रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कितने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं? अभी 2 हैं मेरे पास, और एक तरीके से मैं एक ऐसी जगह पर मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा स्टूडेंट्स साथ आएंगे और ज़्यादा इंशाल्लाह क्वालिफाई भी करेंगे। बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा, क्योंकि अभी के समय में एजुकेशन में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसे में अच्छे टीचर का होना, एक्सपीरियंस टीचर का होना, सही तरीके से सिलेबस को कवर करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जामिया का जो सिलेबस है एक कॉम्पिटिटिव के लिए, उस पैटर्न पे प्रिपरेशन कराना एक अपने आप में चैलेंज है, तो अच्छा लगा प्रिपरेशन कराई बच्चों की, उम्मीद है इंशाल्लाह सिलेक्शन होगा,
अच्छा, आप अपने बच्चों को आगे क्या बनाना चाहते हैं, जो लोग आपके पास तैयारी कर रहे हैं? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी, मैं बरेली से आया हूँ शीशगढ़ से, तो मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करें। बिल्कुल, हाई लेवल थिंकिंग है जो देश के जो सबसे मतलब रिस्पेक्टफुल जॉब है, रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, ठीक है, आप उसमें उनको भेजना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आप जामिया के पास डाउट हैं, आप यहाँ के एलुमनाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में। एक्चुअली मुझे सबसे बेहतर यहाँ जो लगा वो ये है कि यहाँ टीचर्स का कोऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। जैसे आमतौर से यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे या फिर किसी कॉलेज में जाएंगे तो जितना कोऑपरेशन आपको यहाँ से मिलेगा टीचर से, आमतौर से और किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता, बस ये सबसे अच्छी खासियत है। और ऐसा भी है कि एक एक जो भी यहाँ के टीचर्स हैं वो आपके जब तक स्टूडेंट्स हैं तब तक नहीं जुड़े हैं आपसे, वो आपके साथ लाइफ टाइम है, हर टाइम आपका साथ देंगे। आज भी मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं कुछ के नाम लूँगा, प्रोफेसर इब्राहिम साहब हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ऐसे कई सारे प्रोफेसर हैं। सर मैं दुआ करूंगा आप जो बच्चे लेकर आए हैं वो कामयाब हो, और आपका जो मिशन है लाइफ में एक एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन को जिस तरह आप आगे ले जाना चाह रहे हैं आप उसमें कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। नाम बताएं? मेरा नाम सैयद अनवर अली है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ, यूपी मुरादाबाद से। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? हाँ मेरी बेटी दे रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जामिया के बारे में आपको कब पता चला? ये वैसे तो नाम सुना था काफ़ी, मगर जो है जब ये शाहीन बाग का एनआरसी वाला जो है वो रहा तो यहाँ के स्टूडेंट्स की जो बोलचाल, बात करने का और एजुकेशन, मतलब इतनी हम तो जान भी नहीं पाते थे कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी माशाल्लाह जो है अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है यहाँ पर। तो मेरी भी दो बेटियाँ हैं तो मैंने तभी से जो है ख्वाब देखा हुआ था कि मैं भी इंशाल्लाह जो है कोशिश करके जामिया में इनको जो है एडमिशन दे करवाएंगी। तो सर अपने अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? देखिए मैं राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हूँ और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं अपनी बेटी को यही, उसको भी सोच यही है, उसके भी राजनीति जो है परिवार से ननियाल भी उसका राजनीति है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे बड़े उसमें जाए, राजनीति करियर बनाए अपना और देश हित में और देश सेवा में काम करे। तो जामिया का पढ़ाई के बारे में तो आपने बताया, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताया आपको? हाँ नहीं, वो उसकी जानकारी ली मैंने जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी पूछा और इससे पहले भी जो है लोगों को जानकारी ली, तो यहाँ के बताया कि यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं तो वो बिल्कुल, हम लोग इतनी केयर नहीं कर पाते बच्चों की, अपने बच्चों की, तो वो ज़्यादा जो है ज़्यादा वक्त देते हैं बच्चों को और हमारा जो फ़र्ज़ है वो निभाते हैं माँ बाप का निभा। तो इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना और कई प्रोफेसर जो हैं मतलब हमारे भी टच में हैं जिनका जो अखलाक देखा कि वो वाकई उन्होंने अपने बच्चों की तरह यहाँ के बच्चों की तालीम जो है दिलाने का और उनका मार्गदर्शन कराने का वो किया, काम किया है। आप पहले कभी जामिया आए थे? पहली बार? नहीं नहीं, मैं पहली ज़िंदगी में पहली बार जो जामिया आया, नाम मैंने बहुत सुना मगर यहाँ की जो काबिलियत देखी, वो जो धरने प्रदर्शन और इसमें जो उनकी बोल चाल, यहाँ के आपके बड़े बड़े जो है जो जज और सिविल वो लोग आए थे यहाँ पर, जो उन लोगों को जो जवाब दिया और उन्होंने जो है अपनी रिपोर्टें लगाई, उससे जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा लोग जो है प्रभावित हुए, मैं तो उसी से प्रभावित हुआ। जामिया आकर कैसा लग रहा है, जामिया का माहौल देखकर? जामिया बहुत माशाल्लाह, यहाँ पर जो है सभी धर्म के जो है लोग मिले, हम सुबह से हैं यहाँ पर और काफ़ी लोग सोशल लोग भी हैं, और तो वो यहाँ कोई इस तरह का वो नहीं दिख रहा है जो है कि जिस तरह से टीवी पे दिखाते हैं जो आज तक कल की राजनीति चल रही है, यहाँ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह है कि दूसरों को हेल्प करने का वो है। अभी मैं देख रहा था एक साहब जो है बच्चों के जल्दी जल्दी में थे तो उन्होंने जूस पिलाया, जल्दी बोले नहीं पहले जूस पे अभी टाइम है, एक साहब ने पेन निकाल के दिया, बोले बेटा ये पेन अपने पास रखो काम में आएगा। तो ये चीज़ें जो है कुछ करने के लिए हमें देश को जो है फिर सोनी चिड़िया बनाने के लिए और देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं दुआ करूँगा सर आपकी बच्ची को आप जो भी आगे बनाना चाहते हैं वो बहुत आगे जाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना नाम बताएं? निकी खान। आप अपना? शबनम खान। आप लोग कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं, कौन एंट्रेंस दे रहा है आपका? हाई है। तो मैं जानना चाहूँगा कानपुर एक लंबा डिस्टेंस है, कानपुर को तय करके आप जामिया आए तो अपने बच्चे भाई के लिए जामिया को ही क्यों चुना आप? ये मैं यहीं पढ़ती हूँ, मैं जानती हूँ जामिया कैसा है। वाह, आप जामिया के स्टूडेंट हैं, किस फैकल्टी से? फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ के बारे में लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम्स नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नॉन मुस्लिम्स हैं मेरे क्लास में हैं दो तीन। अच्छा, मगर जो लोग ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स ही पढ़ते हैं। आपका फ्यूचर एम्बिशन क्या है? साइंटिस्ट बनना। आपके भाई क्या सोच रखा है फ्यूचर में? अभी तो कुछ नहीं, अनडिसाइडेड। अच्छा, मतलब स्कूल में है वो, अभी स्टार्टअप है उसका। हाँ। तो फिर बहुत अच्छा कहूँगा जो आपने स्टार्टअप के लिए अपने भाई, क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो उसका करियर बनाने के लिए पहला प्लेटफॉर्म अपने जामिया को चुना। जी थैंक यू। अपना नाम बताएं? डॉक्टर मोहम्मद शकील अख्तर। आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं या बाई पीएचडी डॉक्टर हैं?
नहीं, प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। वाह, अच्छा लगा सुनकर आपसे। आप कहाँ से आए सर? जी किशनगंज, बिहार। यानी हम कह सकते हैं बिहार का लास्ट क्षेत्र, सीमांचल का लास्ट एरिया, नेपाल का बॉर्डर से आप चल के आए हैं। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने बच्चे के लिए, जब स्टार्टअप है इतना लंबा डिस्टेंस तय करके जामिया को ही क्यों चुना? देखिए, जामिया इस बार वर्ल्ड में इंडिया में ग्रेड नंबर वन में आया है, और हमारा एक बच्चा यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी में PhD कर रहे हैं, और एक बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है यहीं। तो हमारी बच्चियों का भी हुआ कि डैडी हम लोग भी जामिया में पढ़ेंगे। हम कहें कि चलो, तो छोटी सी बच्ची इब्रा खालिद जो अभी अपीयर हुए हैं इस बार इंट्रांस में 6 APR में, तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा कि नहीं आ जाते हैं यहाँ। दो दो बच्चे पहले से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे अच्छा लगता है जब आप जैसे पेरेंट्स से बात करता हूँ तो प्राउड फील होता है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन के मामले में इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं और उनके फ्यूचर के लिए एक लंबा डिस्टेंस तय करके आप जामिया पहुँचे, आप अपने प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप अपने क्लिनिक बंद करके अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आए हैं। सर, जामिया के बारे आपको क्या क्या पता है? देखिए, जामिया में दरअसल कि जामिया हमारी फैमिली बहुत पहले से यहाँ से इन्वॉल्व है। हमारे जो बड़े चाचा हैं वहाँ से PhD करके प्रोफेसर रहे हैं, और उससे पहले एक चाचा और हैं जो हेडमास्टर हैं यहाँ से BEd करके, और बिलखसूस किशन डिस्ट्रिक्ट के खासकर बहुत सारे बच्चे यहाँ मतलब के हैं, और हम लोग बहुत पहले से जामिया से बहुत ज़्यादा लगाव है, जामिया और अलीगढ़ दो से। तो अभी ज़्यादातर अलीगढ़ से भी ज़्यादा अब जामिया में आ रहे हैं, जब से नंबर वन में आए हैं तो और ज़्यादा हम लोग को बढ़ गया। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया है। अभी हमारा बच्चा जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सही कहते हैं, कभी कभी हम लोग पास में बैठ कर सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है। प्रोफेसरों का जो मतलब कि बिहेवियर पढ़ाने का बहुत अच्छा है, बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह लोगों को कोचिंग की तरह पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की पढ़ाई जहां हो तो हम लोग इससे भी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करके जा सकते हैं, और आगे हमारे बच्चे की मुस्तकबल बेहतर हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, हम लोग देखते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए आज की थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए अगर कल के लिए बेहतर हो जाए तो हम लोग बहुत इसको अपना मुकद्दर समझते हैं और खुशनसीबी समझते हैं, इसलिए जामिया से खास उनसियत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हर पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं सोचता है, या फिर ये सोचते हैं बच्चे को पढ़ा के क्या, और ख़ासतौर से अगर हम सीमांचल एरिया की बात करें तो वहाँ गर्ल्स को लेकर, लेडीज़ फैमिली सॉरी फीमेल को लेकर, या फिर बच्चियों को एजुकेशन का मामला बहुत बहुत लो है, हम कह सकते हैं। अगर वहाँ हम एजुकेशन सर्वे करते हैं सीमांचल की बात करें अगर हम, तो वहाँ एजुकेशन रेशो बहुत कम है। आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट तो मिलेंगे ही नहीं, लड़कियों में 9th 10th इनफ है। ऐसे में आप इतना हाई थिंकिंग और आपका लेवल इतना अच्छा आपने सोचा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दुआ करूँगा आपके बच्ची के लिए, लाइफ में जो भी बनना चाहे वो अच्छा करे, तरक्की करे, आपका नाम रोशन करे, अपने का नाम रोशन करे, अब सीमांचल का नाम रोशन करे, पूरे बिहार का नाम रोशन करे, इंडिया का नाम रोशन करे। थैंक्स सर।